ये यूपी वालों से जब भी मिले अलग ही मूड में होते हैं। एक लोंडा तो पिस्टल लगा के बैठे। मैंने उसे कहा था कि यूपी वालों से बात करते हुए दिमाग नहीं लगाना होता। इनकी गाड़ी के पिछले शीशे पे लिखा रहता है लट धरा भीतर। तू बस यूपी 11 नंबर की गाड़ी देख ले, तेरे लिए इतना ही काफी है। वेलकम अमित महाराणा सैनी। हाय एवरीवन, ठीक ठाक? सब बढ़िया? सब ठीक हो आप लोग? सब ठीक हो? हाँ, ये हाल चाल पूछता हूँ मैं शुरुआत में, ऐसा आदत है मेरी। पर गलती से एक बार यूपी के लौंडे से पूछ लिया, सामने ही बैठा था वो अलग ही मूड में। ये यूपी वालों से जब भी मिले अलग ही मूड में होते हैं, इनका पता ही नहीं चलता कुछ। कितने लोग हैं यूपी से यहाँ पे? आप अरे नहीं, अच्छे होते हैं, जवाब बड़ा अच्छा देते हैं। मैंने सामने बैठे बंदे से पूछ लिया कि हाँ भाई ठीक है। वो कह रहा हाँ भाई ठीक है जी भी तो बैठे हैं यहाँ, नहीं तो अपने घर ना पड़ेगा। मैंने कहा बात तो सही है, पर इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी? नहीं, हाय ना में जवाब देने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो किसने कहा विस्तार पूर्वक वर्णन करो? एक लोंडा तो पिस्टल लगा के बैठा, उसके साथ वाले ने देख लिया। वो बेचारा पूरे शो में डरा डरा बैठा रहा, खुल के हंस बिन रहा था वो कि कहीं भैया नाराज ना हो जाए। और बोलते मुझे तो हंसी आ नहीं रही, तेरी कुछ ज्यादा समझ में आ रही है इसके चुटकुले। शो के बाद पता चला वो पिस्टल नहीं था, लाइटर था। मैंने कहा ये कैसी हरकत करी है तूने? कह रहा भैया वो पुरानी आदत है ना ढली हुई, तो बस ऐसी फील के लिए लगा रखा था कि कट्टे वाली फील आए। अब जब से सरकार बदली तो इसी से काम चलाना पड़ रहा। कह रहा पापा ने सबके ढक्कन बंद कर दिया वहाँ। साथ वाले की फिर समझ में नहीं आई, मेरे से पूछ रहा क्या कहा पिस्टल वाले भैया ने? बाबा ढक्कन। मैंने उसे कहा था कि यूपी वालों से बात करते हुए दिमाग नहीं लगाना होता अपना, बस ये समझ ले कोई गहरी बात कही इन्होंने जो बाद में समझ में आएगी। पता है एक ने अपनी बाइक के पीछे लिखवा रखा था कि ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, हमें समझना भी बाकी है, तू बस यूपी 11 नंबर की गाड़ी देख ले, तेरे लिए इतना ही काफी। 11वीं क्लास का लौंडा था। पुलिस ने पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने उसकी लिखी शायरी पढ़ी इत्मीनान से, जिसमें नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखवा रखी थी। फिर उसे मुर्गा बना के कह रहे अब पढ़ बेटे क्या पढ़ा जा रहा उल्टा। वो कह रहा सर अभी भी 11 ही पढ़ा जा रहा, 2 डंडे तो खींच रखे। यूपी वालों की एक खास बात हो रहा है, ये किसी भी लंबी बात को बहुत ही कम शब्दों में समझा देते हैं। कुछ ऐसे अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा कर रखते हैं। इनकी गाड़ी के पिछले शीशे पे लिखा रहता है लट धरा भीतर। वो पिछली गाड़ी वाले अपने ड्राइवर से पूछते हैं भाई क्या मतलब है इसका लट धरा भीतर का? फिर उनका ड्राइवर समझाता है हिंदी में। वो कहता है साहब इसका मतलब है उचित दूरी बनाए रखें। फिलहाल 2 गज की दूरी मास्क से भी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हालत ऐसी हो सकती है कि परमानेंट मास्क लगाना पड़ जाएगा इस थोपड़े पे। बिगड़ा हुआ चेहरा तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता, और ये यूपी वाले तो मुंह ही मुंह छेदते हैं। पर मैंने एक दिन देखा एक ने अल्टो के पीछे लिखवा रखा था अल्टो के पीछे क्या होती है इतनी जगह अल्टो में? मैंने देखा सामान तो सवारी की गोद में दे रखा था उन्होंने, लट कहाँ दिया होगा? पर मास्क से याद यार, यूपी वालों ने कभी मास्क नहीं लगाया। पता कोविड में कोई मास्क लगा के इनके पास बैठ जाता था ना, ये सब बोलते थे भाई तू ना थोड़ा दूर होकर बैठ कोरोना हो रहा था। ये मास्क वाले को बीमार समझते थे और खुद तो एक सिगरेट शेयर करके पीते 3-4 मास्क वाले को बोले भाई तू भाप ले, भाप सुबह शाम की भाप ले तू, भाप 3 दिन में मास्क उतर जाएगा तेरा। देख रहे हो ये मास्क उतारने का नुस्खा बता रहे थे लोगों को। कोविड में सबने ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, यूपी वालों ने परात बजाई थी कि ज्यादा आवाज होगी, ये परात जमीन में तेरी पकड़ेगा कोरोना, आवाज सुन के भाग जाएगा कोरोना। पर तुम सब हंस रहे हो यार, देखो ऐसा नहीं है, यूपी में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है यूपी में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यूपी फेमस है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल यूपी में है, लखनऊ में, सुना है किसी ने? सिटी मॉन्टेसरी नाम है। हाँ, 58,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 1,000 से ज़्यादा क्लासरूम में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है यूपी का। और टैलेंट वाली बात पता है क्या है? 300 रुपये उधार लेके स्कूल बना दिया था। देख रहे हो भाई, यूपी वाले भगवान से पैसे वैसे नहीं मांगते, ये भगवान को बोलते भगवान तो हमें जिंदा रखिए बस, और हाथ पैर चलते रहने चाहिए, कुछ तो बढ़िया कर ही लेंगे लाइफ में। देख रहे हो 300 रुपये उधार लेके दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल बना दिया था। अफसोस वाली बात यह है कि उसके बाद भी यूपी वालों को कोई पैसे उधार नहीं दे रहा। चिढ़ते हैं लोग कहीं आगे ना निकल जाए। मैं भी यूपी से ही हूँ, मुझे भी नहीं दे रहा कोई पैसे उधार। लोगों को लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाएगा, और भाई मैं सच्ची बताऊँ मैं निकल सकता हूँ आगे, मेरे अंदर है वो टैलेंट, पर इतने पैसे तो इकट्ठे हों। अब 4-5 लाख रुपये लेके थोड़ी भागूंगा। ये हमारे यहाँ तो कहावत है, गू खाना ही है तो हत्ती का तो खाओ कम। हिंदी में कहावतें बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, हाँ देसी कहावतें हैं। वो अंधी दाई वाली कहावत सुनी आपने? मेरी बात में समझ में आया था ये। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। और समझते रहे हो बात में समझ क्या इमेजिन कर रहे हो? कितने लोग हैं मेरी की तरह जो हिंदी मीडियम पढ़े हैं? हिंदी मीडियम मतलब देखो पूरा हिंदी मीडियम। हम वहाँ लघुशंका बोलते थे, पता ना लघुशंका है? नहीं पता? देखो इंसान जब पानी पीता ना, इस्तेमाल के बाद वो पानी शरीर के अंदर घूम घाम के गोल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, जिसे उत्सर्जन करना पड़ता है, इसे लघुशंका बोलते हैं। समझ गए? साधारण भाषा में इसको पेशाब करना है। देसी भाषा में मूत दिया। थोड़ा और देसी में जाओगे वो हमारी धार। समझ गए ना? लघुशंका है ना? नहीं यूपी वालों को पता है, इनसे पूछना बेकार है। आ तो नहीं रही भाई। नहीं, एक से पूछ लिया था मैंने यूपी वाले से, वो कह रहा था हाँ आ रही, ला दे दो खाली बोतल भर देंगे। कितने लोग हैं हिंदी मीडियम से पढ़े हुए? कोई है एक आध यहाँ पे? कोई नहीं है? तुम सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े हो? आप हो? चलो ठीक है, एक तो है। नहीं, तुम सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े हो, तुम वही हो ना जिन्हें समझ में नहीं आता 78, 89, 80 है। तुम बोलते भैया इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में है, वही हो ना। पर लड़कियों का बहुत बुरा हाल है, इनकी हिंदी बड़ी खराब है। एक इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई लड़की ने मेरे से टाइम पूछ लिया। मैंने कहा मैडम पौन बज गया। वो कह रही पौन? मैंने कहा पौने 1 हो गया। 10 सेकंड के लिए गुम होगी वो। फिर कह रही पौने 1 मतलब 1 बजकर कितना मिनट हो गया? मैंने कहा 1 तो बजा ही नहीं मैडम, अभी तो 1 बजने में 15 मिनट है, 12:45 हुए हैं, 12:45। वो कह रही अच्छा इसको बोलते हैं पौन बज गया। वो पौन याद करती हुई चली गई, पौन। मैं समझ गया अब ये भी टाइम बताएगी किसी को। मैंने कहा मैडम पौन ही बताइयो, कभी गलती से कुछ और बता दो। पौन बज गया। पर लड़कियों की इंग्लिश अच्छी होती है, मेरी उतनी ख़राब है। एक इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई लड़की हमारे घर आ गई। ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, चाय वाय पी, चलते टाइम उसने मेरे से पूछ लिया रेस्ट रूम किधर है? मैंने कहा रेस्ट रूम? मुझे लगा थोड़ी थक गई होगी, रेस्ट वेस्ट करना चाहती होगी। मैंने कहा मैडम यहीं कर लो, ड्राइंग रूम में ही। बच्चे बच्चे खेल लेते हैं। मैंने कहा बेटा तुम सब बाहर चलो। भाई मेरे मुंह की तरफ देखे जा रही थी। अब देखो यार हमारी गलती नहीं है, बचपन में ना हम ये गुसल खाना बोलते थे, उसके बाद हमने बाथरूम कहना शुरू किया, फिर टॉयलेट पे आए, अब जाके हमने वॉशरूम याद किया था। हम वॉशरूम पे आए तो ये रेस्ट रूम पे आ गए। नहीं क्या जरूरत है इतने सारे नाम रखने की? कि नहीं जी ये तो हमारा फेवरेट दरबार है, हम तो अपने अलग अलग नामों से पुकारेंगे। हमारी तो फेवरेट जगह है जी, जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले हमें यहीं पे मिलते हैं। टॉयलेट प्रेमी लोग। एक तो यार अपना मोबाइल ना यार सैनिटाइजर से धो लिया करो यार, खाना खाते वक्त चलाते रहते हो। तो मुझे यहाँ दिल्ली में गया था मैं एक जगह, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, लेबनीज पॉइंट नाम था उसका, मैं उसे लेसबियन पॉइंट पढ़ रहा था। भाई दिल्ली वालों ने बड़ी तरक्की कर ली, लेसबियन पॉइंट। देखो वॉशरूम में जाते हैं ही शी लिखा रहता है, लेडीज जेंट्स लिखा रहता है, आदमी औरत की फोटो बनी रहती है ना, मेल फीमेल लिखा रहता है। एक जगह सालों ने ही सर लिख दिया, मैं मुँह रोक के खड़ा हूँ, किस में घुसूँ मैं? फिर एक लड़की आई हर में घुसी को, तब जाके मैंने कहा अच्छा अब तो इसमें ही घुसना है, पता चल गया मुझे। और यार देखो ऐसा नहीं मैंने इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं की, मैंने यूट्यूब से इंग्लिश सीखने की कोशिश की थी। वहाँ पे एक बड़ी सी सुंदर सी लेडी पढ़ा रही थी, वो कह रही थी आई लव यू टू, ये भी गलत होता है। मैंने कहा ये भी गलत हो गया, बचपन से दो ही सेंटेंस तो समझ में आए थे, एक आई लव यू और एक आई लव यू टू, ये भी गलत हो गए। वो कह रही थी आई लव यू टू का मतलब होता है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैंने कमेंट किया मैडम देखो तुम्हारे हिसाब से गलत होगा, लौंडों के हिसाब से बिल्कुल सही है, तुम्हें पता ही नहीं इनके दिलों में कितना प्यार है, सब समा सकती है, घर वाली बाहर वाली काम वाली, तुम भी, एज का कोई चक्कर ही नहीं है, बस स्त्रीलिंग होने चाहिए। नहीं देखो मैं हिंदी मीडियम से ज़रूर पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो मजाक चुटकुले के लिए था, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा नहीं है। बल्कि अब तो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई है, बस उसके लिए मुझे थोड़ी सी इंग्लिश भी नहीं होती है। उसके बाद तो मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूँ, धारा प्रवाह। पर फिर दिक्कत यह है कि मेरी इंग्लिश कोई नहीं समझ पाता, तो सामने वाला बोलते हैं यार अमित भाई हिंदी में बात करते हैं हिंदी में। मैंने कहा देख मैं तो तेरी इंग्लिश में बात कर रहा था, वरना मुझे तो हिंदी पसंद है, अब मेरा इंग्लिश में बोलने का नंबर आया तो साले तू हिंदी पे आ गया। ये चाहते नहीं है हम यूपी वाले आगे बढ़े। अब देखो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल तो एक ही है ना। चलो ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू, दैट्स माय टाइम, माय नेम इज अमित महाराणा सैनी, थैंक यू गाइज, थैंक यू।